वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट अरीबा मैं अरीबा आज आपको फेम फेयरनेस नेचुरल गोल्ड ब्लीच का रिव्यू करने वाली हूँ इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ ये कैसा है और कैसे लगाना है सो so, फ्रेंड मैं अपने सारे वीडियो में आपको इसकी टिप्स भी बता देती हूँ इसकी रिव्यू करने के साथ साथ कि आप इसे लगाना कैसे है कब और क्या बेनिफिट देता है सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट नाउ ये मैंने लिया है फेम का पूरी दुनिया ये जानती है कि फेम ब्लीच के लिए बेस्ट होता है बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं इसका यूज करते हैं बहुत ज्यादा लोग मतलब अगर हंड्रेड परसेंट में कहा जाए तो सेवेंटी परसेंट लोग इसे इस्तेमाल करते हैं फेम और ये मेरी भी फेवरेट है सो so फ्रेंड मैं फेम फेयरनेस नेचुरल गोल्ड ब्लीच लिया है फॉर स्पेशल ओकेशंस ये गोल्ड वाली स्पेशल ओकेशन जैसे पार्टी और फेस्टिवल वगैरह के लिए हो सो so फ्रेंड ये नो एडेड अमोनिया है और आप इधर देख सकते हैं जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ अपने वीडियोस पे अपने प्रोडक्ट पे ये औरजनालिटी की पहचान होती है ये आप जरूर ध्यान दें आपको क्या कैसे लेना है और फ्रेंड इधर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हेल्दी फेयरनेस इन जस्ट फिफ्टीन मिनट्स और सो फ्रेंड इधर मैं आपको दिखा देती हूँ ये नेट वेट एट ग्राम है क्रीम ब्लीच इसमें सेवन ग्राम की है क्रीम जो ब्लीच होती है वो सेवन ग्राम की है और एक्टिवेटर है वन ग्राम की और एक और बात बता देती हूँ ये मैंने थर्टी सिक्स में ख़रीदा है वो एट ग्राम है इसी वन टाइम यूज़ के लिए और आप इसका डेट जरूर देखें ब्लीच खरीदते वक्त एक बात का ख्याल ज़रूर करें फ्रेंड कि आपने डेट जरूर देखना है मतलब वो प्रॉपर एग्जैक्टली डेट है कि नहीं मतलब मैनुफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट आपने एक्सपायरी डेट देख, देखना बहुत ही जरूरी है ब्लीच के लिए अगर आपने एक्सपायरी डेट के लिए ब्लीच यूज़ कर लिया तो स्किन की तो मतलब क्या बता देती हूँ बहुत बुरा होगा सो so फ्रेंड घर पे भी इजिली ब्लीच किया जा सकता है हम क्यों पार्लर जाके इतने पैसे वेस्ट करें एक ब्लीच की कीमत ढाई सौ है फाइव हंड्रेड है सिक्स हंड्रेड है अगर मैं फुल बॉडी के लिए कराऊ तो समझ लीजिए फिर थाउजेंड हो जाएगी पार तो इजली आप फ्रेंड में वन टाइम आप एटलीस्ट इसे फेस और पूरे नेक पे यूज कर सकते हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल है आप इसका इस्तेमाल करें आप देखें आप इजली कर सकते हैं घर पे कोई भी ब्लीच कर सकता है कोई टिपिकल नहीं है इसे अच्छे से मेजर करना मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट ना मैं इसके आपको ओपन कर रही हूँ सी और मैं इसे वन टाइम इस यूज़ करूँगी ब्लीच के लिए फ्रेंड मैं एक बात बता देती हूँ कि आपने वन टाइम ही ब्लीच यूज़ करें ज़्यादा बिफोर आप ना ख़रीदें बिकॉज अगर ज़्यादा बिफोर वाला ब्लीच क्या फ़ायदा रख के घर पे बहुत बड़ा बड़ा पैक वन टाइम ख़रीदें और वन टाइम यूज़ करें और फेंक दें इसे कोई सो so फ्रेंड अगर आप आग बड़ा ब्लीच खरीदिए तो उसे कोई इशू नहीं है बट मेरी एडवाइस यही रहेगी आप ब्लीच आज लें फर्स्ट टाइम यूज करें और ख़त्म कर दें अगर आप खोल दीजिएगा तो शायद आपको इफेक्टिव हो सकता है और ब्लीच अगर कोई भी कर सकता है किसी भी स्किन वाले अगर आपकी कलर फेयर है तो आप गोल्ड ब्लीच करना चाहती हैं तो भी आपके लिए तो खैर परफेक्ट ही होगी बट अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है मीडियम है तो आप गोल्ड ब्लीच कर सकती हैं वो किस तरह से मैं आपको दिखा दूंगी सो फ्रेंड मैं वन टाइम ब्लीच आज करने वाली हूँ सोफ मैं आपको ये दिखा देती हूँ आपने ये ये जैसे मैंने वन ग्राम एक्टिवेटर बताया आपने इसे फ्रेंड ये मैं बता देती हूँ ये वन टाइम के लिए है आप इसे इस्तेमाल करो एक्टिवेटर आपने इसमें कितना मिलाना है ये जितना एक्टिवेटर है फुल इसमें मिला देना है और आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है सेंसिटिव स्किन है अगर वो पिम्स वगैरह डले हुए हैं तो भी आप ब्लीच कर सकते हो आपने थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करना है अगर ये रोज़ वाटर ना हो तो जो नॉर्मल रोज़ वाटर होती है आप वो भी ऐड कर ले बस इसमें वन स्प्रे मैं कर रही हूँ आपने फोर ड्रॉप्स ऐड करना है ये ख्याल करें इससे आपकी सेंसिटिटी वाली जो स्किन होती है वो ठीक हो जाएगी ये पूरा एक्टिवेटर मिला के मिक्स करना है आपने आ, फ्यू सेकेंड्स जैसे थर्टी सेकेंड फोर्टी सेकेंड मिक्स इट वेल एंड अप्लाइंग ऑन योर फेस एंड आपने अच्छे से अप्लाई करना है और लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ आपने एक छोटा सा टेस्ट पैच करना है अपने कान के पीछे आप थोड़ा सा इसे अमाउंट अपने स्किन पर लगाए कान के पीछे और आपने चालीस से फिफ्टी सेकेंड फिफ्टी सेकेंड एटलीस्ट फोर्टी टू फिफ्टी सेकेंड्स से आपने होल्ड करना है अगर वहाँ पे कोई रेडनेस नहीं हुआ तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं फ्रेंड और आपने सबसे पहले अपने जिधर सबसे ज़्यादा जहाँ पे हेयर होती है वहाँ पे आपने लगाना है जैसे कान के पास जो हेयर होती है सबसे पहले वहाँ अप्लाई करें फिर आप अपर लिप्स पर अप्लाई करें और अपने हेयर को अच्छे से कवर करें आ, किसी बैंड से या अच्छे से क्लैच कर लें अपने बाल को अच्छे से पहले आप एक बैंड लगाएं पूरे फेस पे कवर करें फिर अपने कान के पीछे जो बाल होती है वहां पे पहले सबसे पहले लगाएं फिर अपर लिप्स होटो के ऊपर होटो के ऊपर ध्यान रखें वहां लगाएं फिर चिकेरिया फिर चीनी एरिया और फिर फोरेड और आईब्रोज और आई के आसपास आप बिल्कुल भी ब्लीच ना करें ना ही लगाए और अपने इसे अच्छे से मेजरमेंट करें और फ्रेंड इसे खूब अच्छे से वेल करें और थर्टी और फोर्टी सेकेंड्स के बाद आपने ये पूरा अप्लाई करना है इस तरह से आप अपने उंगली की स्पीड से भी लगा सकते हैं बालों के अपोजिट लगाना है इस तरह से ये ध्यान रखें और सो फ्रेंड आपने इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें और उसके बाद फिर आपने कितने मिनट होल्ड करना है आप इसमें लिखा हुआ रहता है फिफ्टीन मिनट्स पर नहीं फ्रेंड आपने एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट करना है मतलब बीस ये 25 मिनट आपने इसे ब्लिच को होल्ड करना है और मैं एक सांवली त्वचा के लिए बताने वाली थी कि वो कैसे लगाएं जैसे कि मैंने अभी ये पूरा एक्टिवेटर ऐड कर दिया अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन डार्क है सुन लीजिए डार्क तो आपने क्या करना है इसमें एक्टिवेटर जैसे ये 100 हो गया तो आपने इसका 1/3 देना है मतलब एक पोर्शन निकाल देना है आपने इसे डिवाइड कर देना है थोड़ा सा छोड़ देना है एक्टिवेटर और इसमें, इसमें मिलाएं वो साबली त्वचा तो के लिए हो जिसकी रंग बहुत डल होते हैं सो so, वो अप्लाई करें वैसे लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनकी भी कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छी होगी और जिनकी त्वचा तो तो साबली डार्क है तो वो लोग ट्वेंटी मिनट्स ही ब्लीच रखें ये वाली ब्लीच और बाकी जो एक गोल्ड वाली ब्लीच आती है वो वो सॉरी पर्ल वाली वो तो सावली वालों के लिए होती ही है और जो आ, फ्रूट वाली ब्लीच आती है फ्रेंड तो वो ब्लीच अब में बहुत ही अच्छा ये आपको आ, पैची स्किन हटाएगा आपके सारे डेड स्किन को क्लोज कर देगी ये ब्लीच और आपके कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगी इसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है इससे आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ही फेयर हो जाएगी आप इस बार लगाएं और अपने इसका प्रॉफिट देखें और अप्लाई करें सो बता दिया अगर सेंसिटिविटी स्किन है तो फ्रेंड आपने बता दिया कि आपने रोज़ वाटर यूज़ करना है और रोज वाटर अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपकी स्किन पे कोई हार्मफुल नहीं होगा और अगर जैसे मैंने पैच टेस्ट बता दिया आप पैच टेस्ट भी जरूर करें फिर आपने अप्लाई करना है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट आपने इसे रखना है और जब आपने इसे पोछना है जिसे आपको साफ करना है धोना है तो वॉश करने का तरीका क्या है कि मैं आपको बता देती हूँ आपने ठंडा पानी लेना है और ठंडे पानी को आपने अपने स्किन पर मारना है छीटे मारने हैं और फिर उसमें वापस से रब करना है पूरा इस तरह से आपने रब करना है इस तरह से पूरे स्किन पर रब करना है फिर आपने टू मिनट होल्ड करना है फिर टू मिनट होल्ड करने के बाद आपने एक बॉल कॉटन का लेना है डिप करना है ठंडे पानी में और अपने वॉश कर लेना है अपने फेस को अगर आप कॉटन बॉल से नहीं धो रही हैं तो आप डायरेक्टली वॉश कर सकती हैं बट ठंडे पानी से बहुत ठंडा नहीं नॉर्मल वाटर से आपने वॉश कर लेना है और देन अप्लाइंग आपने एक मॉइस्चराइजर लगा लेना है स्किन पर और मॉइस्चराइज़र लगा लें और आपने सोप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड एटलीस्ट फिफ्टीन थ्री टू फोर आवर के लिए तीन से चार घंटे के लिए आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है सोप या किसी भी फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना ये जरूर ख्याल करें सो so फ्रेंड और बाकी आप पाँच से छह घंटे के बाद चार से पांच घंटे के बाद सोप इस्तेमाल कर सकती और आप किसी भी पार्टी में जाने के लिए फिर आप ब्यूटी किट क्या की बोलते हैं फेशियल किट का इस्तेमाल कर सकती हैं जैसे मैंने अपने वीडियो में डाल रखा है गोल्ड किट का नेचर एसेंस की गोल्ड किट में यूज की हूँ तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं आराम से और फिर आप ब्लीच करें और फेशियल करने से बिफोर आपने ब्लीच करना है सो यह ख्याल रखें सो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम सो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड ने मेरी वीडियो शेयर करें और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट सो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीन से चार घंटे बाद ब्लीच करने के बाद आपने फेस वॉश नहीं करना है अगर आप सिर्फ ब्लीच कर रही हैं पर अगर आपने फेशियल किटना है मतलब फेशियल करवाना है गोल्ड फेशियल या वॉट जो भी फेशियल हो वो करवाना है तो वो आप इमिडिएटली करें मतलब आपने ये ब्लीच हटा लिया फिर आपने अपना फेशियल स्टेप चालू करना है सो फ्रेंड ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉर टू सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो शेयर कराए इसे लाइक का बटन दबाना ना भूले सो फ्रेंड बाय टेक केयर